कुछ ही दिनों के बाद पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण का मतदान होना है और आइए जानते हैं कि हावड़ा के लोगों के दिलों में इस बार क्या है। शुरुआत करते हैं, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे कई लोग बैठे हुए हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार इस बार इनके दिल में क्या है और किसको वोट करने जा रही है। दीदी, हमारे जनता शो पे आपका स्वागत है। मैं चाहूंगा कि आप हमसे बात करें और ये बात करें, इस बार के चुनाव में आप लोग किसको वोट करने जा रही हैं? अभी इतना जल्दी बोल रही? नहीं नहीं, दिल में क्या है? वही देगा, आधा 5 किलो करके चाल जो दिया उसको ही छाप मरेगा। वो मोदी मिलेगा वोट, मोदी को मिलेगा वोट। हाँ, मोदी को ही देगा। तो मोदी जी तो यहाँ है नहीं, फिर मोदी जी को वोट उसका आदमी को देगा जो धाराएगा, खड़ा रहेगा यहाँ, उसको ही देगा। मतलब यहाँ के लोगों का इस बार मन है कि मोदी की तरफ हम लोग जाकर वोट करें। हाँ हाँ। और अंकल जी हैं, इन लोगों से भी हम जानेंगे कि ये चाय की चौकी है, हावड़ा में हम हैं और जानने की पूरी कोशिश करते हैं कि इस बार के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। चाचा नमस्ते, प्रणाम। और आप जनता शो पे हैं, इस वक्त लाइव है, और आप ये मुझे बताइए कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बंगाल की जनता क्या बदलाव करने जा रही है, या फिर टीएमसी के काम काजों से खुश होकर के टीएमसी को ही वोट करने जा रही है? कैसा लग रहा है आपको, क्या प्रतिक्रिया? ये देखिए, बोला नहीं जा सक रहा कि क्या होगा। जी जी जी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इसके आगे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। नहीं, इस सरकार की कोई अच्छी काम आप बता सकते हैं टीएमसी की? इस सरकार की अच्छी काम भी है, थोड़ा महंगाई की वजह से बदनामी है, अच्छी काम तो है। महंगाई तो केंद्र सरकार पे भी आरोप है कि महंगाई। हाँ जी 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 जी, बस महंगाई का जरिए जरा सा थोड़ा सा हुआ है, लेकिन काम तो किए हुए हैं मोदी जी। और लोग हैं, धीरे धीरे उन सभी से बात करने की कोशिश करेंगे। आंटी जी, आंटी जी नमस्ते, प्रणाम। जनता शो पे आप लाइव हैं, आप मुझे बताइए कि इस बार हावड़ा के लोग के दिल में क्या है? दिल वही है जो बचा है लॉकडाउन में, जो देखा हम लोग के, उसी आदमी आएगा, जरूर आएगा। आगे हम फिर बढ़ेंगे और बात करने की पूरी कोशिश करेंगे कि जो लोग हैं यहाँ पे, कई लोग हैं। हम इस वक्त हम फूल मंडी में, और ये सीधा रास्ता बस स्टैंड की तरफ जा रहा है, हावड़ा का जो बस स्टैंड है उधर की ओर जा रहा है। लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जो लोग यहाँ पर रेहड़ी पटरी पर अपना फूल लगा करके बेचते हैं, वो यहाँ के वोटर हैं, लेकिन उनके दिल में क्या है, क्या केंद्र सरकार के काम काजों से वो खुश हैं? अगर केंद्र सरकार के काम काजों से खुश हैं तो क्या यहाँ पर वो बीजेपी के वोट करेंगे, या फिर टीएमसी पर फिर एक बार विश्वास जताने जा रहे हैं? बहरहाल, इन तमाम प्रश्नों की हम जवाब जानने के लिए निकले हैं, और आइए हम बात करते हैं कि आखिरकार इनके दिलों में क्या है। चाचा जी नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। और आप जनता शो पे लाइव हैं, आप मुझे बताइए इस बार हावड़ा के लोगों के दिलों में क्या है? क्या है, जो देखा उसी को देगा भाई, जो देखा है उसी को देगा वोट। तो ये मुझे बताइए, जो आपके नजरों में, जैसे कि आप तमाम टेलीविजन चैनल पे लोग आज खबर देख रहे हैं, कई सारी बातें हो रही हैं, आपके नजरों में, आप तो यहाँ काफी साल से रहते होंगे, तो कुछ ऐसा काम बताइए जो लोगों तक हम पहुंचा सके कि ममता बनर्जी की सरकार में यहाँ पे ऐसा कुछ क्रांतिकारी बदलाव हुआ था पिछले सरकार के अपेक्षा। जो ममता बनर्जी जब यहाँ पे मुख्यमंत्री बनी, उससे पहले की जो सरकार थी, उसके बाद जब ममता बनर्जी बनी तो क्या बदलाव आया? बदलाव क्या आएगा? बदलाव तो वही है, बदलाव क्या आएगा? क्या बदलाव आएगा? बदलाव तो कुछ नहीं है। लॉकडाउन में हम लोग को नहीं देखा, खाने के लिए हमारा 5 किलो चावल दिया, उसी ने भाई हम लोग देखेंगे, जो देखा उसी को देखेंगे। और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विकास हुआ? कोई विकास नहीं, कोई विकास हमारा नहीं देख रहे। झोपड़ी पट्टी सब ऐसे है, क्या विकास हुआ? हम लोग देख रहे कहाँ बैठे हैं। फिर आगे लोगों से हम बात करेंगे और आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पे आंटी जी, आंटी जी ये बताइए, हावड़ा के लोगों के दिलों में क्या है इस बार? छोटा में व्यवसाय करता है सीखने। हिंदी में कुछ बताइए। क्या करने आया? ये कुछ कह रही है बंगाली में, ये क्या कह रही थी? हिंदी बोलो ना। हिंदी नहीं बोल पा रही है, बंगाल की है। आंटी जी ये क्या कह रही थी? वो पान बेचे, पान बिकता है, पान बिकता है। 6 गो लड़किया, कोई आदमी नहीं देखा। ए जे राजत्व चोला ना, ए काली में कोई भी नहीं देखता है। हम लोग यहाँ पर खाता है तब पेट में 2 मुठो खाता है। लॉकडाउन ने 8 मास वर्ष किया, कोई आदमी नहीं देखा हम लोग के, कोनो पार्टी हमारे की नहीं दिया कुछ।
ये कह रही है कि लॉकडाउन के दौरान में इन लोगों तक किसी ने कोई सहायता पहुंचाने की कोशिश नहीं की और इन लोगों का समय बुरा चला था, ये अपनी बात बता रही है। यहाँ पे फूल बेचती हैं, वो जो सब्जी बेचते हैं हम लोग, वो क्या कहते हैं कि जो पान बेचती थी और ये बता रही है कि हम सब्जी बेचते हैं, कुछ नहीं दिया। जो लॉकडाउन का जो दौर था उसमें इन लोगों ने काफी पूरा समय का सामना किया था, लड़का लड़की नहीं है घरे भुगत है, नहीं मिल पाया था। बहरहाल आगे और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। डरिए नहीं, इस बार आपके दिल में क्या है, इस बार आपके दिल में क्या है कि बोलवा दीदी जी या फिर मोदी जी? हमें मोदी मोदी मानी ना, हमें दीदी मानी। हाँ तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, दीदी जी ने इस साल मतलब अपने कार्यकाल में ऐसा क्या काम किया कि आप प्रभावित हैं? आपको लेबर बेचता है जी, वही काम करेगा, राजमिस्त्री काज करेगा, नींबू बेचेगा। बदलाव हुआ सरकार ने काम किया? नहीं बदला नहीं हो, सरकार का पश्चिम बंगला भालो है, दीदी भालो, दीदी भालो। आंटी जी आपके दिलों में क्या है? ओए दीदी भालो, ओए जा बोले दीदी भालो, दीदी चल जा, दीदी आज ममता बनर्जी का यहाँ पर पूरा एकदम माहौल बना हुआ है, लोग यहाँ पर ममता बनर्जी के साथ हैं और लोगों का मानना है कि ममता बनर्जी जब यहाँ की मुख्यमंत्री बनी तो एक बड़ा सा बदलाव हुआ और विकास की रथ पर सवार होकर के बंगाल आगे की ओर बढ़ा। लेकिन और लोग हैं जो यहाँ रेहड़ी पटरी पर सामान रख करके, फल रख करके अपना गुजर बसर करते हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा और जानना चाहूँगा कि उनके दिलों में इस बार क्या है, आपके दिलों में क्या है? चुनाव आ रहा है, क्या करने जा रहे हैं? बदली होगा, बदलाव होगा। कहाँ के रहने वाले थे पहले, बंगाल से ही है या उससे पहले कहीं बंगाल और के, के, बंगाल के, बंगाल के ही है। तो बदलाव होने जा रहा है, किधर बदलाव होने जा रहा है? बदल होगा। अच्छा बदलेगा, अच्छा तो इनका कहना है कि बदलाव होगा। अंकल जी हैं, नमस्ते प्रणाम, आप जनता शो पर लाइव हैं। अच्छा। अंकल जी मैं चाहूँगा कि आप हिंदी में बात करेंगे, बंगाल में जब आप तो यहाँ जैसा लग रहा है मुझे कि आप काफ़ी लंबे समय के यहीं के हैं, मुझे ये बताइए जब यहाँ ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री बनी तब क्या क्या यहाँ पर बदलाव हुआ, कितना विकास हुआ? इसमें तो बहुत सारे विकास ममता जी ने किए हैं जी जी, जो पहले कभी ना, हमें लगता है जो विकास हुआ है बंगाल के गरीब जनता से लेके पूरा परिवार मतलब हाई स्टैंडर्ड सबके लिए विकास किया है। पहली बात एक बता दे रहे हैं, जो स्कूल के बच्चे पहले स्कूल नहीं जाते भाग जाते, अब स्कूल में जाते हैं तो उसको किताब मिलता है, खाना मिलता है, कोई भी जूता चप्पल सब बैग सब, इसके कारण से स्कूल के जाना बढ़ गया। लेडीज़ लोग को पहले स्कूल जाने नहीं देते थे, उसके परिवार वाले शादी कर देते थे, उसके लिए कन्याश्री एक प्रकल्प लाया ममता जी ने, वो प्रकल्प के चलते जो है अब स्कूल में लेडीज़ लोग ज़्यादा जाती है। तीसरी बात उन्होंने एक साइकिल स्कीम लाया सब उस साथ, उसके चलते क्या है जो वहाँ दूर दूर गांव का जो है लड़की लोग या लड़का लोग स्कूल नहीं जाते थे तो वो क्या स्कूल जाते हैं। दूसरी बात जो है शादी नहीं हो पाती थी पहले गरीब लोग तत्व के लोग, हाँ उसके लिए 25,000 रुपया जो है इन्होंने स्कीम लागू। उसके अलावा जो है देखिए अक्टूबर महीने से जो है यहाँ चावल गेहूँ सेंट्रल गवर्नमेंट बंद कर दिया, उसके बाद दीदी ने वो अभी तक चालू रखा है, हर परिवार को फ्री फ्री में खाना मिल, चावल गेहूँ जो जो उसके घर मिलता है। उसके अलावा एडुकेशन के लिए बहुत कुछ काम किया, और दूसरी बात जो है इन्होंने क्या किया है आपका जो स्वरोजगार प्रकल्प, बंगाल के 50 लाख लेडीज़ के उन्होंने रोजगार की व्यवस्था कर, तब बताइए और क्या करें। उसके अलावा सेंट्रल यहाँ हेल्प नहीं करता, सेंट्रल क्या है 18 MP दिए बंगाल के लोग, तो उसने एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होना ना, उन्होंने कुछ इंडस्ट्री दिया कुछ नहीं, जो इंडस्ट्री होने वाला था उसको भी रोक के रखता है, ये सब गलत है। तो मोदी जी के यहाँ लगातार आने से क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? मोदी जी के पास पैसा है, वो लोग तो लगातार आएंगे। हम बता रहे हैं जब कोविड हुआ था जी जी, मुंबई से दिल्ली से गरीब लोग पैदल चले आ रहे बिहार यूपी बंगाल में, उस समय इनके पास पैसा नहीं था कि बांट देना। अब जो जो दलबदल आदमी है चोर लोग चोरी करके दूसरे जाए उसको हवाई जहाज चार्टर प्लेन किराया करके दिल्ली ले जा रहा है, समझ गया ना, ये सब अंतर है। तो देश के भलाई नहीं कर सकता बीजेपी वाला, अभी का बीजेपी वाला, पहले का बीजेपी वाला ठीक था
लेकिन अभी जो दो आदमी बैठा है ना, गलत आदमी बैठे, हम लोग को दुर्भाग्य है ये आदमी बैठा है। तुमको कुछ करना तुम करो ना, तुम क्यों नहीं किया? तुमको तो 18 MP दिया है बंगाल ने, तो काहे नहीं तुम इंडस्ट्री दियो बंगाल, काहे नहीं एक भी कैबिनेट मिनिस्टर दिए? पूछिए उनसे। आज दूसरी बार तीसरी बार वो अपने नाम पे स्टेडियम कर दिया। कोई जीवित आदमी के साथ आज तक आपने वर्ल्ड में रिकॉर्ड नहीं है, कोई जीवित आदमी के नाम पे मोदी के नाम पे स्टेडियम हो जाएगा? हुआ है कभी? वल्लभ भाई पटेल जो देश के सबसे बड़े महान नेता हो, उसका नाम काट के मोदी अपना नाम बैठा दी। अमित शाह का लड़का क्रिकेट का कौन नहीं जानता, कभी खेला नहीं, उसको BCCI के सेक्रेटरी बनाए, कहीं और कोई प्लेयर नहीं था इंडिया में। दाबिर है और भी है, जो बहुत सारे प्लेयर है, तो उसको क्यों नहीं किया? ये सब पैसा कमाने के चक्कर में अपने लड़कों वहाँ बैठा दिया, देश को लूट रहा है ये लोग। दूसरी बात, ये हर चीज़ बेच रहा है। क्या क्या बेच रहा है? देखिए, 4 बैंक, अपना बैंक में बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, वो बोल रहा है वहाँ कोई स्टाफ ही नहीं है, इतने बड़े बैंक में 2 स्टाफ है, तो सुनने में आया कि वो बेच देगा। अब बताइए, प्लेटफॉर्म बेच रहा है, रेल बेच रहा है, हवाई जहाज बेच रहा है, आपका एयरपोर्ट बेच रहा है, ये सब कुछ बेच देगा। जो प्रॉफिट कंसर्न LIC है उसको भी बेच देगा। के दिलों में ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी यहाँ काम कर रही है गरीब के लिए, गरीब तत्व के लिए, सब के लिए। एक आयुष्मान भारत का वो मोदी जी गिना रहा है, वो योजना किसको मिलेगा? वो सबसे गरीब आदमी उस अपना BJP का कैंडिडेट होगा उसको देगा। लेकिन ममता ने 10 करोड़ जनता को लिए 7 सौ बनाया, सबको 5 लाख मिलेगा, तो कौन अच्छा है बोलिए? किसान विकास वो बोल रहा है कि 6,000 रुपये देंगे, 6,000 रुपये किसको मिलेगा? जिसके पास जो है आपका 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, मतलब बड़ा किसान। लेकिन ये ममता जी ने सबको लिए, गरीब आदमी के देके अमीर तक सबको, जितने में किसान है खेती कर रहा है। बिहार वगैरह में 2 एकड़ की ऐसी कोई बात नहीं है, किसी भी राज्य में वो 6,000 रुपये साल में जो मिलता है वो सबको मिल सकता है जिसके। हाँ, तो उन्होंने जो मतलब ये नोटिफिकेशन में तो वही दिखाया जा रहा है सबको नहीं मिलेगा, लेकिन इन्होंने सबको दिया, जितने भी किसान है, जिसके पास ज़मीन है नहीं है खेती करने में, सबको पैसा दिया। 2 लाख का बीमा भी किया मोदी ने किया, तो काहे आदमी को झूठ बोल रहा है? उसके पास पैसा है, वो पैसा ले आके यहाँ डाल रहा है, वो पैसा अगर गरीब जनता को देते तो काम आता है, वो अपना हवाई जहाज से आ रहा है, 5 स्टार होटल में रह रहा है, गलत बात है ना? और जितने भी चोर कोड़ाते आदमी तृणमूल में था उसको अपना टिकट दे रहा है, तो जनता क्या देख रहा है कि तुम सबसे बड़ा कोड़ाप्टेड पार्टी हो गए हो? तुम अगर सच्चा होते जो पुराना BJP वाला इतना दिन से संभाले हैं, उसको टिकट क्यों नहीं दे रहा भाई? तुम्हारा नाम निशान तो वही रखा, उसको ना दे के जितने भी चोर है जो कोरप्टेड है उसको ले जाकर तुम अपना पार्टी में संभाल कर रहा और उसको टिकट दे रहा। बात करने के लिए धन्यवाद। और लोग हैं इस बार, आप लोगों के दिलों में क्या है? इस बार हम लोग के दिलों में ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी, हाँ, इस बार आप युवा हैं, खास करके मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी जब यहाँ की मुख्यमंत्री बनी, हाँ, आपने पिछले चीफ मिनिस्टर के कामकाजों को भी देखा होगा, क्योंकि उम्र आपकी तकरीबन तो ज़्यादा ही है, इतने आप छोटे भी नहीं है कि आपने नहीं देखा होगा, देखे क्या तो लगा, कितना बदलाव सा हुआ था यहाँ? बदलाव तो बहुत हुआ, मगर ये देश को जो मोदी जी है हमारे, सब चीज़ बेच रहे हैं और सब चीज़ का महंगाई बढ़ रहा है जिस तरह से, तो ये गलत हो रहा है। और मोदी अभी सेंटर का प्रधानमंत्री है देश का, तो सभी TMC का नेता को पैसा से खरीद रहा है। जो नेता लोग है, कल ममता बनर्जी पे हमला भी हुआ नंदीग्राम में, ये सब गलत है। मगर इस बार जीतेगी ममता ही जीतेगी, ठीक है, इस बार उसकी ही सरकार बनेगा यहाँ पर ही बंगाल में, BJP का सरकार आएगा ना। BJP यहाँ पर ही कुछ काम किया नहीं है, और BJP मतलब देख लीजिए आप लोग, हेलीकॉप्टर से आता है और 5 स्टार होटल में रहता है। ममता बनर्जी भी हेलीकॉप्टर से जाते हैं? नहीं नहीं, ये गलत बात है। ममता बनर्जी हवाई चप्पल सादा साड़ी में रास्ता में चलता है पैदल, पब्लिक का घर जा जा कर पूछता है क्या कमजोरी, क्या चाहिए आपको, नहीं चाहिए सब मई सास्तों साथी जो काला 5 लाख के गरीब लोग के लिए, मोदी जी आज तक कभी सोचे नहीं कुछ के लिए। हावड़ा के लोगों के दिलों में क्या है भाई साहब, गर्मजोशी से बता दो, अब क्या है दिल की बात बता दो। दीदी थाके पे, दीदी आछे, तृणमूल जिंदाबाद। बस
और लोग हैं। आंटी जी आप हंस रही हैं, लेकिन आपके दिलों में क्या है, आपके दिलों में क्या है, आपके दिलों में क्या है इस बार चुनाव? हम लोग दिल में ममता बनर्जी है। हम लोग जैसे औरत जाते हैं सब, हम लोग देखने के लिए औरत ही के काम आएगा। मोदी आ गया तो सब चीज का दाम बढ़ा दिया है, तनख्वाह भी नहीं बढ़ रहा है हम लोग का। हम लोग का जो गरीबी हालत है, इंसान के लिए तो सब कुछ मायने रखता है ना। तो हम लोग चाहते हैं ममता बनर्जी रहे, हम लोग का दिल में इंजॉय करे, हम लोग जैसे है वैसे रहे। आ इंसान का मदद करना चाहिए, सबके लिए हेल्प चाहिए, लड़का लड़की के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए। जो ममता बनर्जी किया है कन्या राशि उसी खोला है, हम लोग चाहते हैं हमेशा ममता बनर्जी रहे, मोदी ना ढूके। मोदी ढूकने से इंसान का सब दाम बढ़ा दे रहा है। पहले हम लोग ममता था तो हम लोग 100 रुपया में तेल खाया, अभी 150 रुपया हो गया, अभी सब चीज़ में दाम बढ़ रहा है। तो हम लोग चाहते हैं हमेशा औरत जैसे हम लोग ऐसे हम लोग के लिए औरत ही रहे, प्रधानमंत्री रहे जो है। अंकल जी आप क्यों जा रहे हैं, आप भी बताइए आपके दिलों में क्या है। अरे अंकल जी ना ना टाटी लगा तो एकदम खुश होकर के बता दीजिए आपके दिलों में क्या है। हमारा तो दीदी लोग बहुत अच्छे भाई साहब थे, एकदम खुश मिजाज अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखा। और धीरे धीरे हम चाय की दुकान की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बस स्टैंड भी है पीछे, मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन जानने की कोशिश करूंगा। और लाइन तो है ही है, लेकिन मैं सबसे पहले आप तो यहाँ दुकान लगाते हैं सब सर्विस कॉलेज ठीक है जो देते जी कॉलेज बोलते हो नहीं, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन आपके दिलों में इस बार क्या है? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। ऐसा क्यों है? यहाँ तो ममता बनर्जी की सरकार, लोग कह रहे हैं अच्छा काम कर रही थी, और आप यहाँ बोली आप यहाँ हैं तो आप अभी जो माने लड़ाई चल रहा है 50-50 आधा आधा ठीक है ना बस। तो ये थे और इन्होंने अपनी बात रखी, आगे भी लोग हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, खास करके हम पहले रेहड़ी पट्टी पे जो दुकान लगा करके बैठी हुई हैं उनसे हम बात करते हैं। दीदी इस बार आपके दिलों में क्या है चुनाव में? ये बात ही नहीं करना चाहती हैं, लेकिन और लोग होंगे। ये बस स्टैंड है और यहाँ पे बात करने की चुनाव, आप बंगाल से हो या फिर किसी और राज्य से हो? आप बंगाल, बंगाल से। इस बार आपके दिलों में क्या है? दिलों में जो आदमी काम करेगा वो उसमें ही देंगे। कुछ चलते चलते मुझे बता दीजिए एक ऐसा काम जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहे कि ममता बनर्जी का कोई ऐसा काम है जो लोगों तक हम पहुंचा सकें, जो काम करेगा उसका ही हम पूछेंगे शब्दों में, उसको ही प्यार करेंगे। तो आप देख रहे हैं जनता शो पर, ये खास आपको हम दिखा रहे हैं लोगों से बातचीत का एक छोटा सा एक वीडियो क्लिप मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। यहां पर ये नाई का दुकान है और ये हावड़ा है और हावड़ा की ये बस स्टैंड है और यहां पे अंकल जी बाल बना रहे हैं। और इन्होंने पिछले मुख्यमंत्री के कामकाजों को भी देखा होगा, उसके बाद से जब ममता बनर्जी बनी उनके कामकाजों को भी भली भांति देखा होगा। चाचा जी आपने तो ममता बनर्जी के पूरे पूरे कार्यकालों को देखा है ना। तो इस बार मुझे बताइए कि इस बार आपके दिलों में क्या है, आपके दिलों में क्या है इस बार चाचा जी? दिलों में क्या है, जो सरकार है वही न रहेगा, वो तो काम ठीक ही कर रहा है। मतलब आप लोगों के लिए कोई काम हुआ ना ही, समाज वगैरह के लिए कुछ हुआ? ना ही समाज के लिए काम कुछ नहीं हुआ है। चाचा जी भी बैठे हुए हैं संभवतः, मैं यहाँ के नहीं, मैं बाहर। चाचा जी यहाँ के हैं नहीं, लेकिन चाचा जी हवा तो एकदम बह रही है, हवा होगा तो एहसास हो गया होगा। हाँ तो क्या है हवा में, कुछ तरंग है? बीजेपी का सीट तो ज़्यादा आएगा जी, लेकिन उम्मीदें सरकार नहीं बनेगी जी जी, क्योंकि उनके साथ समर्थन में और पार्टी नहीं है जी जी जी। बीजेपी के जो दुश्मन हैं जी वो सब एक गुट हो गए हैं जी जी, और सारे पार्टी जो हैं वो सब उनके एंटी ही हैं जी जी। तो उतना बहुमत इनको आ नहीं सकेगा, अगर उतना बहुमत आ गया तब भले सरकार बने जी, बस यही बात है। सीट ज़्यादा आएगा, पिछले बार से ज़्यादा आएगा जी जी जी। और यहाँ से विदा लेंगे, आगे हम चलेंगे नंदीग्राम और नंदीग्राम से हम आपको दिखाएंगे कि जो हॉट सीट है वहाँ पर लोगों के दिलों में क्या है, जो आप अखबारों में पढ़ रहे हैं या तमाम वेब चैनल पे जो आप देख रहे हैं हकीकत क्या है, हकीकत से हम आपको रूबरू कराएंगे। बहरहाल एक दो लोगों से और बात करने के बाद हम सीधे चलेंगे नंदीग्राम और नंदीग्राम से हम आपको दिखाएंगे वो तमाम चीज़ें जो आज तक आप तक नहीं पहुँचे।